गलत आहार खाने से ही इंडिया बना है डायबिटीज कैपिटल, और इसीलिए भारत में कैंसर पेशेंट्स की बढ़त भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी, इंसोम्निया, डायबिटीज़, ऐसे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। अभी हम इस चैनल में व्हाट्स इन योर किड्स फूड की एक सीरीज़ बना रहे हैं, जहाँ पे हम बताएंगे कि हेल्दी स्विच कैसे करें ताकि हमारे बच्चे ठीक खाना खाएं और पैकेज फूड की लेबल्स पढ़ सकें, जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स दिखाई जाते जिनसे हमें दूर रहना है। हाँ, तो आप कहेंगे घर में ही खाना बना के दे सकते हैं बच्चों को, पैकेज फूड के बारे में अवेयरनेस देने से बेहतर है हम घर में बना लें। बट इस दुनिया में, इस दौरान बिजी लाइफस्टाइल में कितने लोग बना सकते हैं घर में खाना? स्पेशली जो स्नैक ऑप्शन होते हैं वो तो हम बाहर से ही लाते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि हर एक फूड कैटेगरी में क्या है इंग्रेडिएंट्स जिससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्पेशली हम बाहर जब जाते हैं तो स्नैक्स इतने उठा के ले जाते हैं घर को कि बिस्किट हो गया, चिप्स, केक, चॉकलेट्स, और बच्चे हैं घर में तो बहुत पसंद करते हैं खाना, स्पेशली हॉलीडेज में तो रखा ही जाता है। बट कभी आपने सोचा है कि इनमें क्या जाता है और क्या इंग्रेडिएंट्स से हम बच सके कि पैकेज फूड भी हो फिर भी अच्छा खाना आ जाए घर में? तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे हम कुकीज़ कैटेगरी में, कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स से हमें दूर रहना चाहिए। और इस वीडियो में हम सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम बताएंगे, मेजरली जो उपयोग हुआ जाता है बिस्किट्स में या कुकीज़ में, जो बहुत चीप तो लगता है पर डेंजरस हो सकता है लॉन्ग रन में। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ अपने बच्चे के साथ बैठ के देखें, क्योंकि अगर ये स्विच बच्चा कर रहा है, अगर बच्चा जानकारी पा ले तो आपको इससे बेहतर सॉल्यूशन कहीं मिलेगी ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है कविता, मैं टॉट्स एंड मॉम्स फूड्स की फाउंडर हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कुकीज़ के बारे में, जिनमें क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो डेंजरस हैं। तो बाज़ार से जब हम बहुत चीप वाले कुकीज़ या बिस्किट्स लाते हैं तो हमें उनमें इंग्रेडिएंट्स अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम ही नहीं पता चलेगा, और परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या जितने मात्रा में डाला गया है वो भी नहीं बताएंगे, और हमारे किचन में तो ये मिलेगा भी नहीं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले गए होते हैं उनमें। तो पहले हम बात करेंगे शुगर, आर्टिफिशियल शुगर जो बहुत सारे फॉर्म में डाला जाता है, जैसे लिक्विड ग्लूकोज, इन्वर्ट शुगर सिरप, कॉर्न सिरप, और ये सारे तो बहुत कॉमन हो जाते हैं कुकीज़ में, बिस्कुट में, तो डेफिनेटली ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ऊपर से ये डेंटल प्रॉब्लम, ओबेसिटी और डायबिटीज लाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं इनमें, और ये आर्टिफिशियल शुगर जो होते हैं यही है कारण एडिक्शन के लिए, कि अगर आप अपने बच्चे को एक पैक दें तो एक नहीं खाएगा, दो नहीं खाएगा, पूरा पैकेट ही खत्म कर लेगा। मजाल है उनकी जो घर का खाना ऐसे खा लें, क्योंकि वो नेचुरल है, एडिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, उन्हें जितना चाहिए, उनका पेट जितना भरता है वही उतना ही खाएंगे। यहाँ पे पेट भर के फट भी जाए फिर भी उनकी आँख और माइंड फुल नहीं होती है। पाम ऑयल बहुत ही चीप है और इसीलिए कुकीज़ में डाला जाता है, इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और इसे रेगुलरली अगर खाया जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैदा के खिलाफ क्यों है दुनिया? क्योंकि ये रिफाइंड वीट फ्लोर है, इसमें कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक जो हमें बहुत पसंद आता है, सफ़ेद लगता है, सॉफ्ट रहता है और बेकिंग के लिए आसान होता है ये यूज़ करना। मिलेट अगर यूज़ करें तो बहुत मुश्किल होता है रेसिपी ब्रेक थ्रू करना, तो इसे ब्लीच करके पेरोक्साइड, क्लोरीन, बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं, और अगर रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं इससे तो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों में, जो बहुत डेंजरस है। तो आर्टिफिशियल कलर एंड फ्लेवर, टेस्ट बढ़ाना है ना, एडिक्शन क्रिएट करना है ना, इसीलिए इन्हें डाला जाता है। सिंथेटिक फ्लेवरिंग एंड कलर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उससे दूर रहिएगा, क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शंस
में मदद करता है। रेजिंग एजेंट्स, अभी कॉमनली हम बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर घर में तो रेगुलरली यूज़ करते हैं, नहीं भाई घर में भी नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये गैस डेवलप कर सकता है, कॉलिक, और बच्चे अगर खा के इमोशन नहीं पास कर रहा मेरा बच्चा 2-3 दिन से, तो ये बिस्कुट ही हो सकता है उसका कल्प्रिट। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट आजकल बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है बहुत कुकीज़ में, इसे हो सकता है सर में दर्द, एलर्जिक रिएक्शन, नॉजिया, वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन भी। एडिटिव एंड प्रिजर्वेटिव्स, अभी नाम बताऊंगी, बताने में मुझे ही याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो गया। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीनासोल, टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोक्विनोन, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट और ऐसे बहुत सारे एडिटिव और प्रिजर्वेटिव। शेल्फ लाइफ मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को दे के इंदौर से बैंगलोर मंगाना है, इतने दिन तक रखना है ठीक ठाक, तो ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव लगेंगे, 1-2 साल तक तो रहती है इनकी शेल्फ लाइफ। तो ये हार्मोन डिसरप्ट कर सकता है बच्चों में और हाइपर एक्टिविटी क्रिएट कर सकता है क्योंकि बेंजीन जो इसमें जो है, जो कार्सिनोजन है, वो विटामिन सी से मिलके बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और एस्थमैटिक बच्चों को जिनमें आस्थमा हो है या ब्रीथिंग रिलेटेड इश्यू है, उन्हें दूर रहना है इन सारे प्रोडक्ट से। एमल्सीफायर, अभी बहुत सारे कॉमन एमल्सीफायर्स है, सोइल एसिथिन, मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स, पॉलीसॉर्बेट 80, ये सारे ना टेक्सचर अच्छा करने में, दिखने में भी अच्छा रखना है, सॉफ्ट रहना है बिस्कुट ऊपर से नीचे से, तो ये कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट होता है, तो प्लीज़ दूर रहिएगा। और याद रखें कि ये सारे प्रॉब्लम इमीडिएटली नहीं दिखेंगे, अभी मैं इतने सालों से खा के मैं ही आया हूँ, मेरे दादा ने भी बिस्कुट खाया है जो बहुत चीप से छोटे छोटे पैकेट में हर जगह मिलता है, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए नहीं हुआ कि ये स्लोली दिखता है, इमीडिएटली नहीं। अभी इसीलिए नाना नानी लोगों को डायबिटीज़ आती है, पुराने ज़माने में तो किसी को डायबिटीज़ नहीं होती थी, बीपी इश्यूज नहीं होते थे, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स नहीं दिखते थे। हेल्दी चॉइसेस ओवर प्राइस टैग्स, अभी हम अपने बच्चों को एक्सपेंसिव टॉयज़, कपड़े, कॉस्टली स्कूल में तो भेज ही देंगे, पर दुकान जब जाएंगे ना, इतना एक्सपेंसिव आइटम क्यों ले रहा है, नीचे देख चीप वाला आइटम मिल जाएगा, शेल्फ में जब उठाना है तो चीप आइटम उठाना है, तो यहीं पे हो रहा है क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़। तो अच्छी क्वालिटी का इन्ग्रीडियंट कॉस्टली रहेगा। ऑल्सो हम लोगों को ये लगता है कि हेल्दी है तो टेस्टी नहीं होगा, बच्चों में तो माइंडसेट है ही, हम भी वही सोचते हैं, बच्चा खाएगा नहीं, बच्चा खाएगा नहीं, ऐसे ही कहते रहोगे तो कैसा खाए, कैसे खाएगा बच्चा। हमने टॉट्स एंड मॉम्स फूड्स में हेल्दी और टेस्टी प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे कुकीज़ जो हैं केमिकल फ्री हैं, बेकिंग सोडा कोई भी मुझे पता भी नहीं, बहुत सारे केमिकल्स जो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में जो यूज़ करते हैं, थैंक गुडनेस। तो रागी एंड आलमंड कुकीज़, चौको बाजरा कुकीज़, नट्स एंड सीड कुकीज़, स्वीट एंड सेवरी कुकीज़, ये सारे कुकीज़ हैं बच्चों के लिए जो हम बनाते हैं, सिरी धान्य या मिलेट, गुड़ का यूज़ करते हैं, ड्राई फ्रूट, बीज का यूज़ करते हैं, बटर या मक्खन का यूज़ करते हैं, बहुत सारे नट्स भी डाले होते हैं यहाँ पे। और फिट ट्यूबर अगर आपको पता है तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था इंडियाज़ कुकीज़ क्यों नहीं लेना चाहिए, और वहाँ पे बताया था कि हेल्दीएस्ट कुकीज क्या लेने हैं, वहाँ पे हमारा नाम भी लिया था, तो बहुत सारे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। दीपक थकरान ने भी बताया है कि हमारे कुकीज़ हेल्दी हैं। तो हमारी कुकीज़ को आप totsandmoms.com, हमारे बैंगलोर मैसूर स्टोर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, बिग बास्केट, मीशो में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, आशा है कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस हम ला सकें। सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस आएंगे तो प्लीज़ हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। और दो वीडियो रिकमेंडेशन है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में बनाती रहती हूँ, तो सेफ है क्या ये प्रोसेस फूड बच्चों के लिए जो ब्रांडेड फूड आते हैं, और फूड पॉइजनिंग बच्चों में हो तो कैसे पता चले और प्रिवेंशन कैसे कर सकें, इसके बारे में भी है एक वीडियो। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ पर चेक कीजिएगा। और हाँ, जैसे रिक्वेस्ट किया ऑलरेडी, तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।